दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक शानदार कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों केप टाउन के मैदान पर कप्तानी पारी खेलते हुए विराट कोहली ने नए साल की जबरदस्त शुरुआत की है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में चोट से वापसी करते हुए विराट कोहली ने लाजवाब बल्लेबाजी की और वहीं उन्होंने अपनी इस पारी में 201 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की साहसिक पारी खेली, जिसमें उन्होंने 12 शानदार चौके लगाए और एक बेहतरीन छक्का भी लगाया, जिसके बाद साउथ अफ्रीका के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज और विराट कोहली के करीबी मित्र एबी डिविलियर्स ने अपना एक बयान दिया है, जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या कहा एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और एबी डिविलियर्स में शानदार बल्लेबाज कौन है? आप अपनी राय नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों केप टाउन के मैदान पर जब विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, तब सभी को यह लगा कि भारतीय टीम एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएगी, लेकिन केप टाउन के खतरनाक मैदान पर बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा मुश्किल था। और वहीं अपने ही फैसले को सही साबित करते हुए विराट कोहली ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत भारतीय टीम पहली पारी में 223 रनों का स्कोर खड़ा कर पाई। आपको बता दें कि पहली पारी में केप टाउन के इस मैदान पर 223 रन भी एक अच्छा स्कोर है, क्योंकि चौथी पारी में बल्लेबाजी करना बेहद ही मुश्किल होने वाला है और इसको देखते हुए विराट कोहली की पारी उनके करियर की बेस्ट पारियों में से एक है। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली एक छोर पर खड़े होकर जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन विराट कोहली ने डटकर बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की एक न चलने दी और उनकी इस पारी की सराहना करते हुए साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने अपने बयान में कहा है कि जिस तरीके से भारतीय कप्तान विराट कोहली ने आज बल्लेबाजी की है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि वो इस समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है और उनके द्वारा मुश्किल समय में खेली गई ये पारी भारतीय टीम को इस मुकाबले में हमारी टीम से आगे रखा है। दोस्तों वहीं उन्होंने अपना बयान जारी रखते हुए कहा है कि मैं पर्सनली विराट का एक बहुत बड़ा फैन हूं और वो अच्छे बल्लेबाज के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी है, लेकिन उन्होंने आज जबरदस्त बल्लेबाजी करके ये दिखा दिया है कि उनमें अभी काफी क्रिकेट बचा हुआ है और अभी भी रनों के लिए उतने ही भूखे हैं जितने वो करियर के शुरुआत में हुआ करते थे। दोस्तों एबी डिविलियर्स के इस बयान को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो विराट कोहली के द्वारा खेली गई आज की इस पारी से काफी ज्यादा प्रभावित है। वहीं वो विराट कोहली के बहुत अच्छे मित्र भी हैं और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में ये दोनों खिलाड़ी एक साथ बल्लेबाजी भी करते हैं। हालांकि एबी डिविलियर्स ने अभी हाल ही में आईपीएल से भी संन्यास की घोषणा कर दी है, लेकिन विराट कोहली से मित्रता के चलते वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कोचिंग स्टाफ में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले की दूसरी पारी में अपने शतकों का सूखा खत्म कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।